प्लास्टर वगैरह कुछ ऐसे, तो क्योंकि पिछले महीने भी आपने शिकायत इस प्रकार की लगाई थी, तो आप हाँ लगाई थी ना, अब आपने फिर से वही सेम शिकायत लगाई, और जो आपकी पहली शिकायत लगी थी वो कलेक्टर साहब ने अपनी आईडी से खुद उसको बंद करी। उसका निराकरण भी तो नहीं हुआ था मैडम। निराकरण आपका देखो, निराकरण का तो ऐसा है कि आप लोगों का आपसी विवाद है, सभी ने आपसी विवाद बताते हैं, आप सरपंच बनवाया आपने उनके सरपंची में, आप मेरी बात सुनिए, आप सब में विवाद बता दें, सीसी में इतने वीडियो डले गाँव वालों के, आपसी विवाद है, पूरे गाँव का आपसी विवाद है आपका, क्या पूरे गांव का आपसी विवाद है क्या? हमें पूरे गांव का पूरे गांव से मतलब नहीं, हमारा आपसी विवाद कैसे, हमने एफआईआर, आपने क्या हमारी एफआईआर देख ली जो आपसी विवाद की बात कर रहे हैं आप? पहले तो आप ढंग से बात करो। नहीं मैं सही से ही बात करूँ, आप जब भी बात करती हो आप उसी बात पे ले जाती हो। नहीं हमने एफआईआर क्यों बार बार, आपकी आपकी निराधार शिकायत है, निराधार आपको लग रही है तो आप हमें इस तरह से कार्रवाई कीजिए, हम तो फोर्स क्लोज करवा देंगे, तो करवा दीजिए, क्योंकि केवल आप जब आपको लगता है आपको पता आपको आपको करना ही नहीं है जब किसी की बात है। आप पहले तो धीरे धीमी आवाज में बात करो। मैं धीमे ही बात कर रहा हूँ। नहीं धीमे ही बात करो आप, ठीक है, जब आपको करना ही नहीं है तो क्यों लगाते हो, तो क्यों लगाते हो शिकायत? सीएम हेल्पलाइन में भ्रष्टाचार की शिकायत क्या की, पूरा सिस्टम ही दुश्मन बन गया। महिला अधिकारी ने फोन पर सुनाई खरी खोटी, मजदूरों की जगह जेसीबी से हो रहा मनरेगा का काम। दतिया जिले की भांडेर तहसील का ये ऑडियो इन दिनों जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें जनपद कार्यालय में एपीओ के पद पर पदस्थ महिला कर्मचारी ऋतु व्यास एक शख्स को सिर्फ इस बात पर खरी खोटी सुना रही हैं, क्योंकि उसने सीएम हेल्पलाइन पर मनरेगा में हुए भ्रष्टाचार की शिकायत कर दी थी, जिसके बाद शिकायत का निराकरण करने की बजाय महिला कर्मचारी इसे आपसी विवाद बताते हुए शिकायत वापस लेने का दबाव बना रही है। मांडर जनपद की ग्राम पंचायत में हो रहे नरेगा तालाब के भ्रष्टाचार के संबंध में मैंने 181 लगाई थी, जिसके नरेगा अधिकारी मेरे ऊपर बहुत दबाव बना रहे हैं, एफआईआर करने की धमकी देते हैं, ऋतु व्यास मुझे कॉल करके गालियां सुनाती हैं, जिनकी रिकॉर्डिंग भी मेरे पास है और तालाब की रिकॉर्डिंग भी है जिसमें जेसीबी से काम किया गया था, देखते हैं क्या कार्रवाई करता है प्रशासन। पंजाब केसरी के लिए नवल यादव की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।